ऑल माय डियर स्टूडेंट्स 12th केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 42 देखते हैं और 42 लेक्चर में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे नए चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 रासायनिक वर्णन रासायनिक इसे बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी रासायनिक बल गतिकी क्या है रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे तो रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का क्या किया जाता है निर्धारण किया जाता है जिसके अंदर इसे पढ़ा जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं तो परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम रासायनिक बल गतिकी रासायनिक बल गतिकी लिखोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग कॉमा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एवं रासायनिक अभिक्रिया वेग को एवं रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं तो इसकी परिभाषा ये हुई रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि व रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं नोट करोगे परिभाषा रासायनिक बल गतिकी के बाद हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है
इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी के बाद हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। के लिए जितने समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को अभिक्रिया का क्या कहते हैं वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग की परिभाषा में बोल सकता हूं कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया वेग की हम परिभाषा लिखेंगे इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है या अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब इकाई सांद्रता में या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, परिवर्तन में जितना समय लगता है उसके अनुपात को हम अभिक्रिया का क्या कहते हैं वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे यहाँ पर आर का मतलब है रिएक्टेंट जिसे बोलते हैं अभिकारक और पी का मतलब है प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो हम इसकी मात्रा के आधार पर भी या इसके परिवर्तन के आधार भी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हैं और प्रोडक्ट के परिवर्तन के हिसाब से भी हम अभिक्रिया के वेग का क्या कर सकते हैं निर्धारण। अब किसके आधार पर किस प्रकार से करना है कैसे इनके डिफरेंस का पता लगेगा तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में तो कमी होती है, अभिकारक की सांद्रता में तो कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाती है वृद्धि होती जाती है। जैसे उदाहरण देखिए दूध का दही में बनना, तो जैसे जैसे हम देखते हैं तो प्रारंभ में दूध रहता है, दूध में हम चावल देते हैं, रिएक्शन प्रारंभ हो जाती है। तो रिएक्शन प्रारंभ होगी तो समय के साथ साथ दूध की मात्रा तो घटती जाएगी और दही बनना प्रारंभ होगा तो दही की मात्रा क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी और तो लास्ट में एक स्थिति या पोजिशन ऐसी आ जाएगी कि दूध पूरा खत्म हो जाएगा, पूरे दूध का क्या बन जाएगा दही बन जाएगा। अर्थात समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। तो इस लाइन को हम लिखेंगे तो इसके अंदर लिखोगे पैराग्राफ चेंज कर दे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है, इसलिए
इसे ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। वह उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ बढ़ती है, इसलिए इसे धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला लिखिए। तो अभिक्रिया वेग को हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारकों की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में तो क्या होती है, कमी, अपॉन कमी में लगा समय, कमी में लगा समय, जितनी कमी हो रही है उस कमी में कितना समय लगा है, तो उसे हम अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग। और यदि हम अभिकारकों के हिसाब से इसे सूत्र को लिखे, उत्पाद के हिसाब से सूत्र को लिखे, तो अभिक्रिया वेग का दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन वृद्धि में लगा समय, वृद्धि में लगा समय। देखो उत्पाद की सांद्रता में कमी हुई है और कमी में लगा समय अभिक्रिया वेग होगा, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है, वृद्धि में लगा समय भी ये किसके बराबर होगा, अभिक्रिया वेग के। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभिकारकों को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से, अपॉन समय को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। तो डेल्टा टी का मतलब है समय, कितना समय लगा है, वो समय का अंतर, और कमी के लिए मैं आगे किसका चिन्ह लगा सकता हूँ, माइनस। तो अभिक्रिया वेग को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस आर अपॉन के डेल्टा टी, आर को अभिकारक को बता रहे हैं और माइनस तीन ऋणात्मक चिन्ह है, तो अभिकारकों की सांद्रता में किसको बता रहे हैं, कमी को। और मैंने यहाँ दिखाया था कि सांद्रता घटती है इसलिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करता है, ऋणात्मक का। उत्पाद के लिए मैं फॉर्मूला बनाऊ तो उत्पाद को किससे लिखते हैं, प्रोडक्ट को, पी से, अपॉन वृद्धि में क्या लगा समय, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है इसलिए इसके आगे किसका चिन्ह आएगा, धनात्मक का। इसका फॉर्मूला हो गया प्लस पी अपॉन डेल्टा टी। अभिकारकों की सांद्रता में कमी अपॉन लगा समय, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन लगा समय, दोनों ही अभिक्रिया वेग है। यहाँ डेल्टा चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ भी डेल्टा का चिन्ह लगा रहे हैं, जो अंतर को बताता है, डिफरेंस को बताता है। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी दोनों ही किसके सूत्र है, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक इसे नोट करो। Thank you.
इतना नोट करने के बाद में आगे देखेंगे हम। आगे समझोगे हम अभिक्रिया वेग को देखें तो अभिक्रिया वेग जो प्रारंभ में होता है वो तो तीव्र गति से होता है, मतलब अभिक्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से होती है लेकिन समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है, घटता जाता है, क्योंकि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया वेग होता है जो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो प्रारंभ में तो अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है इसलिए अभिक्रिया वेग भी क्या होता है, अधिकतम होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होने लगती है और अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, घटने लग जाता है, और जब पूर्ण अभिकारक उत्पाद में बदल जाए अर्थात अभिकारकों की सांद्रता शून्य हो जाए तो उस समय अभिक्रिया वेग भी शून्य हो जाता है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया प्रारंभ में तो तीव्र गति से होती है, समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग होता है जो बढ़ जाता है, अंत में जाकर जब अभिकारकों की सांद्रता शून्य हो जाए अर्थात पूरे अभिकारक उत्पाद में बदल जाए तो उस कंडीशन में वहां हमारा अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी की निचली होगी द्रव्यानुपाती क्रिया की, द्रव्यानुपाती क्रिया की नियमानुसार अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, अधिकतम होगा, लेकिन जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता घटने लगती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। अतः प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होने के कारण प्रारंभ में अभिक्रिया वेग अधिकतम होता है। लेकिन समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता के घटने पर अभिक्रिया वेग भी घटने लगता है, अभिक्रिया वेग भी घटने लगता है और अंत में अभिकारकों की सांद्रता शून्य हो जाने पर अभिक्रिया वेग भी शून्य हो जाता है।
निम्न आरेख की सहायता से समझ सकते हैं। तो हमें आरेख बनाएं और आरेख में हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचना है, समय के बीच में और वेग के बीच में हमें क्या खींचना है, आरेख खींचना। तो समय और वेग के बीच में आरेख खींचा जाएगा, तो ऊपर लिखा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा। और जब ताप में समय कम था तब तो वेग अधिकतम था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये हमारा आरेख है कि जब समय कम था तब तो वेग अधिकतम था, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रहा है आगे की ओर, तो वेग ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि वेग होता है अभिक्रिया वेग होता है अभिक्रिया वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात समय के साथ अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता है। और एक आरेख हम यहीं पर बना लेंगे, आरेख के अंदर अभिकारक और उत्पादक की सांद्रता को भी हम देख लेंगे। यहाँ सांद्रता और ये है अभिक्रिया की प्रकृति। यहाँ पर रिएक्टेंट ले लिया और एक ले लिया हमने क्लोराइड, तो समय के साथ साथ तो अभिकारकों की सांद्रता तो क्या होती है, घटती है। तो अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो किसे तो नीचे की ओर आ रहा है, और समय के साथ साथ उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो उत्पादों की सांद्रता ऊपर की ओर। तो ये तो बता रहे उत्पाद को और ये बता रहे इसको अभिकार। तो यहाँ अभिक्रिया की प्रकृति लिखो चाहे हम क्या लिख सकते हैं, समय। तो देखो वापिस आ रहे हो, इसको समझोगे समय के साथ साथ तो उत्पादों की सांद्रता को क्या होती है, बढ़ती है, और समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है। जिसे हमने यहाँ पर भी देखा रिएक्शन के अंदर कि प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग अधिकतम इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो अभिकारकों की सांद्रता घटती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, घटने लगता है। ये दोनों आरेख आप बनाओ। यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज, जनरली अभिक्रिया का वेग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा तो दिया कि सांद्रता अभिकारकों की शून्य हो जाने पर अभिक्रिया वेग शून्य हो जाता है, लेकिन नोट लगा के नीचे लिख लेना कभी भी किसी रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग बहुत कम जरूर हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया का वेग क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। तो नोट लगा के लिखोगे नीचे इसी में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर ये लाइन कंफ्यूज कर रही है तो आप चाहो तो इसे हटा भी सकते, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं हो सकता, बहुत कम हो सकता है।
इसके बाद हम देखेंगे अभिक्रिया वेग के प्रकार, और अभी लगाओगे अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार देखो, सामान्यतः अभिक्रिया वेग को दो भागों में बांटा है। पहले लाइन लिख लोगे सामान्यतः अभिक्रिया वेग दो प्रकार का होता है, ऐसे तीन भागों में भी बांट सकते हैं। एक प्रारंभिक वेग होता है, एक औसत वेग होता है और एक ताक्षणिक वेग होता है। लेकिन जनरली जो अभिक्रिया वेग को है कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, और वो दो कौन कौन से है, एक तो होता है औसत वेग और दूसरा होता है हमारा ताक्षणिक वेग। तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग के अंदर क्या होता है अंतर? तो औसत वेग तो कंप्लीट रिएक्शन का वेग दिया जाता है, एवरेज निकाला जाता है कंप्लीट रिएक्शन का, उस वेग को तो कौन सा वेग कहते हैं, औसत वेग। और ताक्षणिक वेग में किसी एक क्षण पर या विशिष्ट समय पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसमें पहला डालोगे हमारा औसत वेग, औसत वेग। तो औसत वेग कंप्लीट रिएक्शन का ज्ञात किया जाता है, तो हम इसके अंदर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि संपूर्ण अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन व परिवर्तन में लगा समय दोनों के अनुपात को क्या कह सकते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो लिखोगे इसकी परिभाषा औसत वेग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रता परिवर्तन में लगा समय उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो इसी के आधार पर औसत वेग का फॉर्मूला लिखे, तो औसत वेग रेट ऑफ रिएक्शन को इसे आर ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब वेग, और ए बी लिखा है इसका मतलब है एवरेज। तो औसत वेग को आर ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन व परिवर्तन में लगा समय और अभिकारकों की सांद्रता के लिए माइनस का चिन्ह आता है, और उत्पादों की सांद्रता के लिए किसका चिन्ह आता है, प्लस का। इसलिए प्लस या माइनस कौन सा चिन्ह आएगा वो डिपेंड करेगा कि अभिकारकों की सांद्रता है या उत्पादों की। अब सांद्रता को कंसंट्रेशन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परिवर्तन को डेल्टा से करते हैं, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और आगे प्लस माइनस का चिन्ह। ध्यान रखना औसत वेग अधिक परिवर्तन को बताता है, तो परिवर्तन के लिए दो डेल्टा का यूज लेते हैं, एक ये डेल्टा होता है और एक ये डेल्टा होता है। तो ये वाला डेल्टा तो अधिक परिवर्तन को बताता है, और ये अवकलन वाला जो डेल्टा है वो हमारे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है जिसमें बहुत कम अंतर होता है।
अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है। ये कहीं ऊपर आपके कॉपी के पास लिख लेना कि ये वाला डेल्टा जिनको अधिक परिवर्तन को बताता है और आउटलेट वाला डी है ये डेल्टा है जो हमारे अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है। तो ध्यान रखना औसत में तो इस वाले डेल्टा का यूज लेते हैं क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में सांद्रता में परिवर्तन अधिक आता है इसलिए अधिक परिवर्तन के लिए इस डेल्टा का यूज लेते हैं। और जब किसी क्षण पर हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे उसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन आता है उसलिए इस वाले अवकलन वाले डी का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले को लिख लो औसत वेग के अंदर का आरेख
अनंत स्पर्शी होता है, अनंत स्पर्शी होता है, होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। उपेक्षणीय हो सकता है, मतलब न के बराबर मान सकता, उपेक्षणीय हो सकता। अब औसत वेग कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लिया प्रारंभ में किसी अभिकारक की सांद्रता R0 थी और अंत में किसी अभिकारक की सांद्रता हमारी R1 है, ठीक है। तो हम इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे। मान लिया जिस समय पर R0 सांद्रता थी उस समय समय हमने मान लिया T1 था। समय क्या मान लिया? T1 का। इस समय हमारा समय T1 है और जिस समय अभिकारक की सांद्रता निम्नतम थी उस समय हमने समय क्या मान लिया? T2 का। तो औसत वेग निकालने के लिए हमारा गोल होगा था सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में अभिकारक को क्या आ रहा है, किसका यूज लेंगे? माइनस का। तो माइनस डेल्टा R/∆t और R के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ R0-R1/T2-T1 और अभिकारकों की सांद्रता के लिए चिन्ह किसका यूज लेंगे? माइनस का। तो इसलिए इस आयत के लिए हमारा औसत वेग इसके बराबर होगा। तो आज हमने औसत वेग की चर्चा की, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे तात्क्षणिक वेग की चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।